और चलिए अब आपको दिखाते हैं ये सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों के साथ इस वक्त इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हर युग में इतिहास लिखा है। हमारी आजादी की लड़ाई में वीर बाला कनकलता बरुआ, खुदीराम बोस, रानी गाइडिनल्यू जैसे वीरों का ऐसा इतिहास है जो हमें गर्व से भर देता है। इन सेनानियों ने छोटी सी उम्र में ही देश की आजादी को अपने जीवन का मिशन बना लिया था, उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया था। आपने टीवी देखा होगा, मैं पिछले साल दिवाली पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में गया था। वहां मेरी मुलाकात श्रीमान बलदेव सिंह और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्मीर की वही धरती पर। अभी तो इनकी उम्र बहुत बड़ी है, तब वो बहुत छोटी उम्र के थे और उन्होंने उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी और हमारी सेना में पहली बार बाल सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी। इसी तरह हमारे भारत का एक और उदाहरण है, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का शौर्य और बलिदान। साहिबजादों ने जब असीम वीरता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से बलिदान दिया था, तब उनकी उम्र बहुत कम थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आस्था और धर्म के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में देश ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भी शुरुआत की है। मैं चाहूंगा कि आप सब और देश के सभी युवा वीर साहिबजादों के बारे में जरूर पढ़ें। आपने ये भी जरूर देखा होगा, कल दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नेताजी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कर्तव्य की, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की। नेताजी से प्रेरणा लेकर हम सबको और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का, उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है। ये समय भविष्य के लिए नए सपने देखने का है, नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है। ये लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए है, जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। अब आप कल्पना कीजिए, आज आप में से ज्यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा।
यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो बोया, उन्होंने जो तप किया, त्याग किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं। लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं, देश आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे। इतना जल्दी से बदलाव होने वाला है, इसलिए आप देखते होंगे कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सब के केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं। आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है, मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है, आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है। देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, हाई स्पीड एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। ये प्रगति, ये गति किसकी स्पीड से मैच करती है? आप लोग ही हैं जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं, इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं। आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर के लीड कर रही है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ, हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है। ये सीईओ कौन है? हमारे ही देश के संतान है, इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ समय बाद भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है। इस गगनयान मिशन का दारोदमार भी हमारे युवाओं के पर ही है। जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं, वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने दुनिया में लीड लेते हुए देश को वैक्सीन दी। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना डरे, बिना रुके देशवासियों की सेवा की। हमारी नर्सेज गांव गांव, मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर लोगों वैक्सीन लगा रही हैं। ये एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है। इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखिए। देश की रक्षा के लिए
उनकी जाबाजी हमारी पहचान बन गई है। हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो भारत के लिए कभी संभव नहीं माने जाते थे। इसी तरह जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। साथियों, आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे आपको पढ़ने में, सीखने में और आसानी होगी। आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाएं, इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही है। साथियों, भारत के बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने हमेशा साबित किया है कि वो 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मुझे याद है चंद्रयान के समय मैंने देश भर के बच्चों को बुलाया था। उनका उत्साह, उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भारत के बच्चों ने अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अपनी आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया है। 3 जनवरी के बाद से सिर्फ 20 दिनों में ही 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय, ये श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं। आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के, स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग स्वच्छता रखें, घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था। आज देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा हूं, और बच्चे मेरे साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा। और मुझे विश्वास है ये मेरे नन्हे मुन्ने साथी, यही मेरी बाल सेना, मुझे इस काम में बहुत मदद करेगी।